हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का 14वां पाठ पढ़ाने वाली हूँ। 14वें पाठ का नाम है भारत स्थान भूस्तरीय रचना और भूपृष्ठ भाग दो। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे भारत का स्थान, उसकी भूमि की रचना बनावट और ऊपरी सतह के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। आइए पढ़ते हैं। पृथ्वी पर स्थित अनियमित और ऊर्ध्वाकार वाले भूमि भाग के बीच समताओं यानी विविधताओं को भूपृष्ठ कहते हैं, जिसमें पर्वत, पठारी प्रदेश, मैदान आदि का समावेश होता है। कह रहे हैं कि पृथ्वी पर स्थित अनियमित, जिसका नियम ना हो, अनियमित को बोलते हैं जिसका नियम ना हो कोई, और ऊर्ध्वाकार वाले भूमि के भाग की विषमता यानी विविधताओं अनेकताओं को भूपृष्ठ कहते हैं, ऊपरी सतह कहते हैं जमीन का, जिसमें पर्वत, पठारी प्रदेश, मैदान आदि को समाविष्ट किया गया है। आप लोग चित्र में देख रहे होंगे भूपृष्ठ के स्वरूप, उसके आकार बनावट में दिया गया है। कहीं पे पर्वत है, कहीं पे सागर है, तो कहीं पे पठारी प्रदेश है, ज्वालामुखी है, तो अलग अलग भूमि पर अलग अलग अंतर देखने को मिलता है। इसमें देख रहे पर्वतमाला, हिम नदी, तलहटी, पहाड़ी, खोह कोतर, घाटी, पठारी प्रदेश, सहायक नदियाँ, भूमि सर, बंदरगाह, खाड़ी, झील, मैदान, डेल्टा, महासागर, द्वीप, प्रायद्वीप, मुख नदी, उद्गम, दून, ढलान वाला पहाड़ी प्रदेश, ज्वालामुखी, मरुस्थल, मरुस्थलीय द्वीप, खाड़ी। तो अनेक तरह की विविधताएँ जमीन पर देखने को मिलेगी पृथ्वी की। आगे हम लोग पढ़ते हैं भूपृष्ठ की विविधताओं यानी विषमताओं के आधार पर भारत को निम्नलिखित प्राकृतिक विभागों यानी भागों में बांटा जा सकता है। करें कि जो भूपृष्ठ है, ऊपरी सतह जमीन की, उसमें विषमता अंतर होने कारण अनेकता के आधार पर भारत को निम्नलिखित प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है। यहाँ पे बांटा गया है 5 भागों में। पहला है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदानी प्रदेश, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, चौथा है तटीय मैदान समुद्र तटीय मैदानी प्रदेश, पांचवा है द्वीप समूह। तो ऐसे 5 भागों में भूपृष्ठ को विषमताओं के आधार पर प्राकृतिक विभागों में बांटा गया है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे चित्र में दर्शाया भी गया है, आप लोग देख सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, भारत का यह अत्यंत यानी बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रदेश है, जो उत्तर में पश्चिम पूर्व दिशा में लगभग 2400 किमी यानी किलोमीटर लंबाई में फैला हिमालय पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। वह चाप यानी चिपटा आकार वाला है। उसकी चौड़ाई 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर के बीच बढ़ती घटती रहती है। हिमालय कोई एकाकी पर्वत नहीं है, एकाकी यानी कि अकेला, बल्कि अनेक प्रकार की पर्वत श्रेणियों का समूह यानी दल है। पश्चिम में अफगानिस्तान से पूर्व की तरफ आगे बढ़कर वह भारत, नेपाल, भूटान से होकर म्यांमार तक पहुंचता है। उत्तर में उसका विस्तार यानी फैलाव तिब्बत तक फैला हुआ है। वह मध्य एशिया के पामीर की गांठ नाम से पहचानी जाने वाली मुख्य पर्वत श्रेणी का ही एक भाग है। कह रहे हैं कि भारत का यह अत्यंत ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रदेश है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, जो उत्तर में पश्चिम पूर्व दिशा में लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई में विस्तार में फैला है। हिमालय पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। वह आकार में चिपटा है,
उसकी चौड़ाई 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर के बीच में घटती बढ़ती रहती है। हिमालय कोई एक अकेला पर्वत नहीं है, बल्कि अनेक पर्वतों का एक समूह है, क्रम से कई पर्वतें हैं। पश्चिम में अफगानिस्तान से पूर्व की तरफ आगे बढ़कर वह भारत, नेपाल, भूटान से होकर म्यांमार तक पहुंचता है। उत्तर में उसका फैलाव तिब्बत तक फैला हुआ है। वह मध्य एशिया की पामीर की गाठ नाम से पहचानी जाने वाली मुख्य पर्वत श्रेणी का ही एक भाग है, अंश है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, उत्तर का हिमालयी पर्वत प्रदेश, पूर्वी हिमालय, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उत्तर का हिमालयी पर्वतीय प्रदेश, इस प्रदेश में एक दूसरे के समांतर यानी एक समान थोड़ा थोड़ा अंतर पे तीन गिरिमालाएं हैं। गिरिमालाएं यानी पर्वते हैं, जिसमें उत्तरी पर्वत श्रेणी बृहद यानी बहुत बड़ा हिमालय कहलाता है। समग्र यानी पूरे हिमालय की यह सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, जिसमें 40 से अधिक शिखर ऐसे हैं कि जिनकी ऊंचाई 7000 मीटर से भी अधिक है। उसी में सबसे प्रसिद्ध शिखर माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। यह नेपाल चीन की सीमा पर स्थित है। उसे तिब्बत में सागर माथा भी कहते हैं। अन्य प्रसिद्ध शिखरों में माउंट गोडविन आस्टिन अथवा केटू है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है और वह भारत का सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा शिखर यानी पर्वत है, पहाड़ है, चोटी भी बोलते हैं इसको। हिमालय की तीन अस्पष्ट पर्वत श्रेणियां हैं जो एक दूसरे के समांतर फैली हुई हैं, एक दूसरे के समान अंतर पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर फैली हुई हैं, जिसमें से बृहद हिमालय यानी बहुत बड़ा हिमालय में जेलापला, नाथुला, सिपकीला वगैरह यानी आदि ऊंचे पर्वतीय दर्रे भी हैं। पवित्र तीर्थस्थल माना जाने वाला प्रसिद्ध मानसरोवर चीन भी इस पर्वत श्रेणी में स्थित है। इसमें कह रहे हैं कि उत्तर का हिमालयी पर्वत प्रदेश जो है, इस प्रदेश में एक दूसरे के समान अंतर पर, थोड़े थोड़े अंतर पर एक समान तीन पर्वतमालाएं हैं, जिसमें उत्तरी पर्वत श्रेणी बहुत ही बड़ा हिमालय कहलाता है। पूरे हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, जिसमें 40 से अधिक शिखर ऐसे हैं, चोटी ऐसे हैं जो कि उनकी ऊंचाई 7000 मीटर से भी अधिक है। उसी में सबसे प्रसिद्ध विख्यात शिखर है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। यह नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है। उसे तिब्बत में सागर माथा भी कहते हैं। अन्य प्रसिद्ध यानी प्रख्यात शिखरों में माउंट गोडविन ऑस्टिन अथवा केटू है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है और वह भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। हिमालय की तीन अस्पष्ट पर्वत श्रेणियां जो हैं, एक दूसरे के समान फैली हुई हैं थोड़े अंतर पे, जिनमें से बड़ा हिमालय में, सबसे बड़े हिमालय में जेलापला, नाथुला, सिपकीला आदि ऊंचे पर्वतीय स्थान में हैं। पवित्र तीर्थस्थल माना जाने वाला प्रसिद्ध मानसरोवर जो चीन में है, वो भी इस पर्वत श्रेणी में स्थित है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, इतना जानिए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है। केटू माउंट गोडविन ऑस्टिन, इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। कंचनजंगा पर्वत की ऊंचाई
8598 मीटर है। मकालू 8481 मीटर है। धौलागिरी, इसकी ऊंचाई 8198 मीटर है। अन्नपूर्णा, इसकी ऊंचाई 8070 मीटर है। तीन पर्वतों की ऊंचाई यहाँ पे क्रम से दिया गया है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। बृहद पर्वत श्रेणी के दक्षिण में स्थित पर्वत श्रेणी भी बहुत बड़े विस्तार में फैली हुई है। उसे मध्य हिमालय या लघु यानी छोटा हिमालय, हिमालय श्रेणी की पर्वत श्रेणी कहते हैं। इसकी चौड़ाई लगभग 80 से 100 किलोमीटर है। पीर पंजाल, महाभारत, नाग टिब्बा आदि श्रेणियाँ इसी क्षेत्र में हैं। मध्यम ऊंचाई वाली, मध्यम यानी बीच का, ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा, मध्यम यानी बीच का, ऐसे ऊंचाई वाली इन श्रेणियों में हवाखोरी के स्थल यानी ऐसे स्थान जहाँ पे बहुत ही अच्छी हवा चलती है, गिरी केंद्र डलहौजी, धर्मशाला, शिमला, मसूरी, रानीखेत, अल्मोड़ा, नैनीताल, दार्जिलिंग आदि विकसित हुए हैं यानी उनका साथ विस्तार हुआ है। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब आदि प्रसिद्ध यानी प्रख्यात तीर्थ स्थल भी हैं। कुल्लू, कांगड़ा तथा कश्मीर इस क्षेत्र के अत्यंत यानी बहुत ही रमणीय यानी मनोहर, मन को मोहने वाला प्राकृतिक घाटी प्रदेश है। इसमें बता रहे हैं कि बृहद यानी बहुत बड़ा पर्वत श्रेणी यानी पर्वतों के में दक्षिण में स्थित पर्वत श्रेणी भी बहुत बड़े विस्तार यानी अधिक मैदानों में फैली हुई है स्थानों में। उसे मध्य हिमालय या लघु यानी छोटा हिमालय की पर्वत श्रेणी कहते हैं। इसकी चौड़ाई लगभग 80 से 100 किलोमीटर है। पीर पंजाल, महाभारत, नाग टिब्बा आदि श्रेणियाँ इसी क्षेत्र में स्थित हैं। मध्यम ऊंचाई वाले यानी कम ऊंचाई वाले इन श्रेणियों में हवाखोरी स्थल जहाँ पे लोग जाते हैं, बहुत ही अच्छी हवा चलती है, आनंद लेते हैं लोग, घूमने के लिए जाते हैं ऐसे स्थानों पर। ऐसे गिरी स्थान, गिरी केंद्र डलहौजी, धर्मशाला, शिमला, मसूरी, रानीखेत, अल्मोड़ा, नैनीताल, दार्जिलिंग आदि विकसित हुए हैं, विस्तार में हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब आदि प्रख्यात प्रसिद्ध तीर्थस्थल हैं जहाँ पे लोग घूमने के लिए तीर्थस्थानों पर जाते हैं। कुल्लू, कांगड़ा और कश्मीर इस क्षेत्र के बहुत ही मनोहर, मन को मोहने वाली, रमणीय का मतलब होता है मन को मोहने वाली मनोहर प्राकृतिक घाटी प्रदेश है। आगे पढ़ते हैं। तीसरी पर्वत श्रेणी अत्यंत दक्षिण में है। शिवालिक ब्राह हिमालय नाम से पहचानी जाने वाली इस श्रेणी का अधिकांश यानी ज़्यादातर विस्तार भारत में है, जिसकी चौड़ाई 10 से 15 किलोमीटर और ऊंचाई लगभग 1000 मीटर है। इस पर्वत श्रेणी में कुछ विशिष्ट यानी खास घाटियों की रचना यानी निर्माण हुई है, जो कंकड़ पत्थर तथा मोटी परत वाली काप मिट्टी से ढकी हुई है। स्थानीय भाषा में उन्हें दून कहते हैं, जैसे कि देहरादून, पाटली दून, कोथरी दून आदि। इसमें बता रहे हैं कि तीसरी पर्वत श्रेणी बहुत ही दक्षिण में स्थित है। शिवालिक यानी ब्रा हिमालय नाम से जानी जाती है, जानने वाली ये श्रेणी का ज़्यादातर विस्तार भारत में है, जिसकी चौड़ाई 10 से 15 किलोमीटर है और उसकी ऊंचाई लगभग 1000 मीटर है। इस पर्वत श्रेणी में कुछ खास घाटियों का निर्माण हुआ है, जो कंकड़ पत्थर तथा मोटी पर्वत वाली कांप मिट्टी से ढकी हुई है। स्थानीय भाषा में मतलब जहाँ पे ये है वहाँ की भाषा में उन्हें दून कहते हैं, जैसे कि देहरादून, पाटली दून, कोथरी दून आदि के नाम से
इसको बोला जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। दूसरा है पूर्वी हिमालय, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हिमालय श्रेणी के पूर्वी भाग में स्थित पर्वत श्रेणियाँ कम ऊंचाई वाली हैं। उनमें कई श्रेणियाँ पहाड़ी के रूप में जानी जाती है। पूर्वी हिमालय में स्थित ये पहाड़ियाँ छोटी पर्वत श्रेणियों के रूप में ही फैली हैं। उनमें पतकोई अरुणाचल में, नागालैंड में और लुसाई मिजोरम में स्थित है। ये पहाड़ियाँ भारत की पूर्वी सरहद यानी सीमा के निकट यानी नज़दीक हैं, जिनका म्यांमार में स्थित अराकानयोमा पर्वत श्रेणी के साथ है। गारो, खासी और जैतिया पहाड़ियाँ मेघालय में आई हुई यानी स्थित हैं। पहाड़ी विस्तार में वर्षा का प्रमाण यानी मात्रा बहुत अधिक है, जिससे यहाँ अत्यंत यानी बहुत ही घने जंगल हैं। जंगलों का प्रदेश होने से यहाँ सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग का विकास यानी विस्तार एकदम कम हुआ है। इसमें बता रहे हैं कि हिमालय श्रेणी के पूर्वी भाग में स्थित पर्वतों की जो श्रेणियाँ हैं वो कम ऊंचाई वाली हैं, उनकी ऊंचाई कम है। उनमें कई श्रेणियाँ पहाड़ी यानी हिल के रूप में जानी जाती हैं। पूर्वी हिमालय में स्थित ये पहाड़ियाँ छोटी पर्वत श्रेणियों के रूप में फैली हुई हैं, विस्तार में हैं। उनमें पतकोई अरुणाचल में है, नागालैंड में और लुसाई मिजोरम में स्थित है। ये पहाड़ियाँ भारत की पूर्वी सीमा के नज़दीक हैं, जिनका म्यांमार में स्थित अराकानयोमा पर्वत श्रेणी के साथ है। गोरा, खासी और जैतिया पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित हैं। ये पहाड़ी विस्तार में वर्षा का अधिक मात्रा में होता है, जिससे यहाँ अत्यंत बहुत ही घने जंगल हैं। जंगलों का प्रदेश होने से यहाँ के जो सड़क के रास्ते हैं एवं रेल के मार्ग हैं उसका विस्तार यानी विकास बहुत कम हुआ है। आगे पढ़ेंगे उत्तर का विशाल मैदानी प्रदेश। उत्तर के विशाल यानी बहुत बड़े मैदानी प्रदेश का स्थान भारत के उत्तर के पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण के पठारी प्रदेश के बीच है। इस मैदान की रचना हिमालय से निकलने वाली सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक यानी उनसे लगी हुई नदियां द्वारा लाई गई काप मिट्टी से हुआ है। इस मैदान के कुछ भाग लगभग 50 मीटर मोटे काप मिट्टी के परत से बने हैं। यह मैदान उत्तरी भारत के बहुत बड़े विस्तार में फैला हुआ है, इसलिए इसे उत्तरी भारत का विशाल मैदानी प्रदेश कहते हैं। इसमें बता रहे हैं कि उत्तर के बहुत बड़े मैदानी प्रदेश का जो स्थान है, जगह भारत के उत्तर के पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण के पठारी प्रदेश के बीच में है। इस मैदान की रचना यानी निर्माण हिमालय से निकलने वाली सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी जो सहायक नदियां हैं उनके द्वारा लाई गई काप मिट्टी से हुआ है। इस मैदान के कुछ भाग लगभग 100 मीटर मोटे काप मिट्टी के परत से बने हैं। यह मैदान उत्तरी भारत के बहुत बड़े विस्तार में फैला हुआ है, इसलिए इसे उत्तरी भारत का विशाल यानी बहुत बड़ा मैदान प्रदेश कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं यह मैदानी प्रदेश लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है। नदियों द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े मैदानी प्रदेश के रूप में इसकी गणना यानी गिनती होती है। पूर्वी भाग की अपेक्षा यानी तुलना में पश्चिमी भाग अधिक संकरा यानी पतला है। यह मैदान लगभग समतल यानी बराबर है, जिसके किसी भी भाग की ऊंचाई समुद्र की सतह से 180 मीटर से अधिक नहीं है। दिल्ली के पास यह मैदान संकरा है। दिल्ली के पश्चिम में
सतलुज और पूर्व में गंगा का मैदान है, इसलिए दिल्ली को गंगा के मैदान का प्रवेश द्वार कहते हैं। यह मैदान भारत का सबसे अधिक उपजाऊ प्रदेश माना जाता है। दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कोलकाता आदि महत्वपूर्ण शहर इसी प्रदेश में स्थित है। करे के उत्तरी का जो मैदान है, यह मैदान प्रदेश लगभग मैदानी प्रदेश लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है। नदियों द्वारा इसका निर्माण, विश्व के सबसे बड़े मैदानी प्रदेश के रूप में इसकी गिनती की जाती है। पूर्वी भाग की तुलना में पश्चिमी भाग अधिक पतला है। यह मैदान लगभग एक बराबर है, समतल का मतलब ही होता है एक बराबर होना। उसके किसी भी भाग की ऊंचाई समुद्र की सतह से 180 मीटर से अधिक नहीं है। दिल्ली के पास यह मैदान पतला है। दिल्ली के पश्चिम में सतलुज और पूर्व में गंगा का मैदान है, इसलिए दिल्ली के गंगा को के मैदान का प्रवेश द्वार कहते हैं। यह मैदान भारत का सबसे अधिक उपजाऊ यानी पैदावार वाला प्रदेश माना जाता है। यहाँ पे पैदावार अच्छा होता है अनाज का। दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कोलकाता आदि दूसरे शहर महत्वपूर्ण शहर इसी प्रदेश में स्थित हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं, सिंधु और उसकी अन्य सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलज हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं। सिंधु नदी पश्चिम की तरफ बहकर तेजी से मुड़ करके दक्षिण तरफ बहकर अरब सागर में मिलती है। सामान्य रूप से दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। इस तरह पांच नदियों द्वारा निर्मित इस मैदान को पंजाब पंज धन आब कहते हैं। इस मैदान का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में है। इसमें बता रहे हैं कि सिंधु और उसकी अन्य सहायक नदियाँ, जिस यानी सहायक नदियाँ नहीं, उससे जुड़ी हुई जो नदियाँ हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं। सिंधु नदी पश्चिम की तरफ बहकर तेजी से मुड़ करके दक्षिण की तरफ बहकर अरब सागर में मिल जाती है। सामान्य रूप से ये दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। जो दो नदियों के बीच की भूमि होती है, जमीन होती है, उसको दोआब के नाम से जानते हैं। इस तरह पांच नदियों द्वारा निर्मित यानी बनी हुई इस मैदान को पंजाब, जिसे पंजधन आब भी कहते हैं। इस मैदान का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में स्थित है। आगे पढ़ते हैं, भूपृष्ठ की दृष्टि से मैदानी प्रदेश को चार विभागों में विभाजित यानी बांटा गया है। पहला है भांभर, दूसरा तराई, तीसरा बांगर, चौथा खादर। सिंध नदी से तिस्सा नदी तक शिवालिक तलहटी में कंकड़ पत्थर की एक पतली पट्टी देखने को मिलती है। यह कंकड़ पत्थर की पट्टी नदी के प्रवाह के समांतर फैली है। यह पट्टी लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी है। इसे भाबर कहते हैं। भाबर के बाद तराई का प्रदेश आता है, जो अधिक नमी और दलदल यानी कीचड़ वाला है। यहाँ घने वन और विविध यानी अलग अलग तरह के वन्य प्राणी यानी वन के प्राणी देखने को मिलते हैं। मैदानों के पुराने कांप को बांगर कहते हैं। कांप के लगातार यानी निरंतर होने वाले जमाव के कारण सोपान यानी सीढ़ी के आकार का जैसा बन जाता है, जो बाढ़ के मैदान से ऊंचा होता है। बाढ़ के मैदानों का नया कांप खादर के नाम से पहचाना जाता है। इसमें बता रहे हैं कि भूपृष्ठ यानी जमीन का ऊपरी सतह, उसके अनुसार मैदानी प्रदेश को चार भागों में विभाजित किया गया है। भाबर, तराई, बांगर, खादर चार भाग में बांट दिया गया उनको। सिंधु नदी से तिस्ता नदी तक शिवालिक की तलहटी में
कंकड़ पत्थर की एक पतली पट्टी देखने को मिलती है और यह कंकड़ पत्थर की जो पट्टी है नदी की धारा के समान फैली हुई है। थोड़े अंतर पे यह पट्टी लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी है। इसे भाभर कहते हैं। भाभर के बाद तराई का प्रदेश आता है जो अधिक नमी यानी मुलायम और दलदल यानी कीचड़ वाला है। यहाँ घने जंगल और जंगलों में रहने वाले अलग अलग तरह के वन के प्राणी देखने को मिलते हैं। मैदानों के पुराने कांप को बांगर कहते हैं। कांप के लगातार होने वाले जमाव यानी जमने के कारण इसका आकार जो सीढ़ी के जैसा बन जाता है जो बाढ़ के मैदान से ऊंचा होता है। बाढ़ के मैदानों का नया कांप खादर के नाम से पहचाना जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। भारत का यह सबसे प्राचीन यानी पुराना भाग है। यह प्रदेश उल्टे त्रिभुज के आकार में फैला है। त्रिभुज यानी तीन भुजा के आकार में फैला है। उसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। इस प्रदेश के उत्तरी भाग का ढाल उत्तर पूर्व की ओर है जो चंबल सोन और दामोदर नदियों के प्रवाह द्वारा अस्पष्ट होता है। दक्षिणी भाग का ढाल दक्षिणी पूर्व की ओर है। इस प्रदेश का बड़ा हिस्सा दक्षिण में है इसलिए इसे दक्षिण का पठारी प्रदेश कहते हैं। इस पठारी प्रदेश के तीनों ओर समुद्र आया हुआ है जिससे उसे प्रायद्वीपीय प्रदेश कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के दो उप विभाग हैं। पहला है मालवा का पठारी प्रदेश, दूसरा है दक्खन का पठारी प्रदेश। इसमें बता रहे हैं कि भारत का जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश है बहुत पुराना भाग है, सबसे पुराना भाग है। यह प्रदेश उल्टे तीन भुजा के आकार में फैला हुआ है। उसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। इस प्रदेश के उत्तरी भाग को का ढाल उत्तर पूर्व की ओर है जो चंबल सोन और दामोदर नदियों के प्रवाह यानी धाराओं द्वारा अस्पष्ट होता है, साफ होता है। दक्षिणी भाग का ढाल दक्षिण पूर्व की ओर है। इस प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा दक्षिण में है इसलिए इसे दक्षिण का पठारी प्रदेश कहते हैं। इस पठारी प्रदेश के तीनों ओर समुद्र स्थित है जिससे उसे प्रायद्वीप प्रदेश कहते हैं। प्रायद्वीपीय प्रदेश का मतलब होता है जो जमीन का वह भाग जो समुद्र के तीनों ओर से घिरा हुआ हो। और कह रहे हैं प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के दो उप विभाग हैं। पहला है मालवा का पठारी प्रदेश और दूसरा है दक्कन का पठारी प्रदेश। तो इस उप विभाग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला मालवा का पठारी प्रदेश, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मालवा के पठारी प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में अरावली पर्वत श्रेणी स्थित है। अरावली विश्व की प्राचीनतम यानी बहुत पुराने पर्वत श्रेणियों में से एक है जो मोड़दार पर्वत है। माउंट आबू इस पर्वत श्रेणी में स्थित गिरि केंद्र है। वह सुंदर एवं रमणीय यानी मनमोहक है। गुरु शिखर उसका सबसे ऊंचा शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। इस प्रदेश के दक्षिण में विंध्याचल में से निकलने वाली चंबल और बेतवा नदी उत्तर की ओर बहकर यमुना नदी में मिलती है तथा सोन नदी उत्तर की ओर बहकर गंगा नदी में मिलती है। इन नदियों के प्रवाह की दिशा यानी बहने धारा की दिशा पर से जान सकते हैं कि इस पठारी प्रदेश का ढाल उत्तर की ओर है। मध्यवर्ती पठारी भूमि के इस उत्तर पूर्वी भाग को बुंदेलखंड कहते हैं। इसके अतिरिक्त यानी अलावा लूड़ी और बनास नदियां उत्तर पश्चिम भाग में स्थित अरावली की पहाड़ियों से निकलती हैं। ये नदियां कच्छ के रेगिस्तान में लुप्त यानी गायब हो जाती हैं जबकि साबरमती और मही नदी खंभात की खाड़ी में मिलती हैं। इन नदियों के प्रवाह से ख्याल आता है कि पश्चिम की ओर के मालवा के पठारी प्रदेश का ढाल
दक्षिण पश्चिम की तरफ है। राजमहल की पहाड़ियों तथा शिलोंग का पठारी प्रदेश छोटा नागपुर के पठारी प्रदेश का ही एक भाग है, अंश है। छोटा नागपुर के पठारी प्रदेश के अंतर्गत रांची के पठारी प्रदेश का भी समाविष्ट यानी समावेश होता है। इसमें कह रहे हैं कि मालवा के पठारी प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में अरावली पर्वत श्रेणी स्थित है। अरावली विश्व का बहुत ही पुराना पर्वतों में से एक है, जो मोड़दार पर्वत है। पर माउंट आबू इस पर्वत श्रेणी में स्थित गिरि केंद्र है। वह सुंदर एवं मनमोहक है। गुरु शिखर उसका सबसे ऊंचा शिखर है, चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। इस प्रदेश के दक्षिण में विंध्याचल से निकलने वाली चंबल और बेतवा नदियाँ जो हैं उत्तर की ओर बहकर यमुना नदी में मिल जाती हैं तथा सोन नदी उत्तर की ओर बहकर गंगा नदी में मिलती है। इन नदियों की धारा की दिशा पर से ही जान सकते हैं कि इस पठारी प्रदेश का ढाल उत्तर की ओर है। मध्यवर्ती पठारी भूमि के इस उत्तर पूर्वी भाग को बुंदेलखंड कहते हैं। इसके अलावा लूड़ी और बनास नदियाँ उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित अरावली की पहाड़ियों से निकलती हैं। ये नदियाँ कच्छ के रेगिस्तान में जाकर लुप्त हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, जबकि साबरमती और मही नदी खंभात की खाड़ी में जाकर मिलती हैं। इन नदियों के प्रवाह से धारा बहने की धारा से यह ध्यान आता है कि पश्चिम की ओर के मालवा के पठारी प्रदेश का ढाल दक्षिण पश्चिम की तरफ है। राजमहल की पहाड़ियों तथा शिलोंग की पठारी प्रदेश छोटा नागपुर के पठारी प्रदेश का ही एक भाग है, अंश है। छोटा नागपुर के पठारी प्रदेश के अंतर्गत रांची के पठारी प्रदेश का भी समावेश होता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा है दक्कन का पठारी प्रदेश, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मालवा के पठारी प्रदेश के दक्षिण में स्थित सतपुड़ा, महादेव तथा मैकल पहाड़ियों के दक्षिण में दक्कन का पठारी प्रदेश है। पठारी प्रदेश का उत्तरी पश्चिमी भाग मुख्य रूप से लावा के निक्षेपण से निर्मित, निक्षेपण यानी होता है कोई चीज़ फेंका गया, डाला गया, तो उससे निर्मित है या उछाला गया भी बोलते हैं। पश्चिम की ओर इसकी सीमा पश्चिम घाट द्वारा निर्धारित यानी तय होती है, जो अरब सागर के किनारे उत्तर दक्षिण दिशा में व्याप्त यानी स्थित है। उसके अनेक स्थानीय नाम हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक में उसे सह्याद्री कहते हैं, तमिलनाडु में उसे नीलगिरी के नाम से पहचानते हैं और केरल तमिलनाडु की सीमा पर उसे अन्नामलाई और कोर्डेमम की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट का दक्षिणी भाग प्रमाण में अधिक ऊंचा है। इसमें कह रहे हैं कि मालवा के जो पठारी प्रदेश के दक्षिण में स्थित सतपुड़ा, महादेव तथा मैकल पहाड़ियों के दक्षिण में दक्कन का पठारी प्रदेश है। पठारी प्रदेश का उत्तरी पश्चिमी भाग मुख्य रूप से लावा के निक्षेपण से निर्मित हुआ है, उसकी रचना हुई है। पश्चिम की ओर इसकी सीमा पश्चिम घाट के से तय की जाती है, जो अरब सागर के किनारे उत्तर दक्षिण में व्याप्त है, स्थित है। उसके अनेक स्थानीय नाम हैं। जहाँ पे उसका निर्माण हुआ है वहाँ पे वहाँ के लोग उसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं, जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटक में उसे सह्याद्री कहते हैं, तमिलनाडु में उसे नीलगिरी के नाम से पहचानते हैं जानते हैं और केरल तमिलनाडु की सीमा पर उसे अन्नामलाई और कोर्डेमम की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट का दक्षिणी भाग प्रमाण में अधिक ऊंचा है। आगे पढ़ते हैं। सामान्यतः दक्कन के पठारी प्रदेश की ऊंचाई 900 मीटर से 1100 मीटर है, यद्यपि कुछ स्थानों पर वे एकाएक यानी अचानक अधिक ऊंचाई वाली हो जाती हैं। बहुत कम ऊंचाई वाली अलग अलग पहाड़ियाँ जिनकी ऊंचाई कहीं कहीं
900 मीटर से अधिक है। वे इस पठारी प्रदेश की सीमा बनाती हैं जिसे पूर्वी घाट कहते हैं। इस विस्तार का सामान्य ढाल पूर्व तथा दक्षिण पूर्व की ओर है, जिसे नदियों के प्रवाह की दिशा के आधार पर भी जाना जा सकता है। नर्मदा तथा तापी जो पश्चिम की ओर बहती हैं, उसको छोड़कर दक्षिण के पठार की अधिकांश नदियां पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कह रहे हैं कि सामान्यतः साधारण दक्षिण के जो पठारी प्रदेश की ऊंचाई है 900 मीटर से 1100 मीटर है। यद्यपि कुछ स्थानों पर वे अचानक अधिक ऊंचाई वाली हो जाती हैं। बहुत कम ऊंचाई वाली अलग अलग पहाड़ियाँ जिनकी ऊंचाई कहीं कहीं पर 900 मीटर से अधिक है, वे इस पठारी प्रदेश की सीमा बनाती हैं जिसे पूर्वी घाट कहते हैं। इस विस्तार का सामान्य ढाल पूर्व तथा दक्षिण पूर्व की ओर है, जिसे नदियों की धाराओं की दिशा के आधार पर भी जाना जा सकता है। नर्मदा तथा तापी जो पश्चिम की ओर बहती है, उसे छोड़कर दक्षिण के पठार की अधिकांश यानी ज़्यादातर नदियां पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। आगे पढ़ते हैं, चौथा है तटीय मैदान, समुद्र तटीय मैदान। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश कच्छ से उड़ीसा तक मैदानों की सकरी यानी पतली पट्टी से घिरा हुआ है। इसे पश्चिमी तथा पूर्वी तथा पश्चिम तटीय मैदानों के रूप में बांटा गया है यानी विभाजित किया गया है। पश्चिम का तटीय मैदान गुजरात से केरल तक फैला है। गुजरात के अलावा यह अधिकांशतः यानी ज़्यादातर सकरा मैदान है। यह बहुत ही असमान और ऊबर खाबड़ यानी ऊपर नीचे है और गोवा से दक्षिण तक इसे मलबार तट कहते हैं। इसमें कह रहे हैं कि प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश जो कच्छ से उड़ीसा तक मैदानों की सकरी पतली पट्टी से घिरा हुआ है, इसे पश्चिमी तथा पूर्वी तथा पश्चिमी तटीय मैदानों के रूप में विभाजित किया गया है। पश्चिम का तटीय मैदान गुजरात से केरल तक फैला हुआ है। गुजरात के अलावा यह अधिकांशतः पतली मैदान है। यह बहुत ही असमान मतलब एक समान नहीं है, कहीं पे ऊबड़ खाबड़, कहीं पे ऊपर, कहीं पे नीचे है, कहीं ऊंचा, कहीं नीचा, और गोवा से दक्षिण तक इसे मलबार तट कहते हैं। आगे पढ़ते हैं, पश्चिमी तट, तट का मतलब होता है किनारा, कि नदियां अपने डेल्टा क्षेत्र में खाड़ी का निर्माण करती हैं। ऐसी अधिकांश खाड़ियां नदी के पानी के अंतर्गत डूबी हुई घाटियां हैं जो समुद्र तट के उभरने से बनी हैं। ये मत्स्य यानी मछली प्रवृत्ति के विकास यानी मछली के कार्यों के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थिति का निर्माण करती हैं। पश्चिमी तट पर अनेक उत्तम प्राकृतिक बंदरगाह हैं, जिनमें मुंबई तथा मार्म गोवा का समावेश होता है। दक्षिण में केरल तट पर पश्चजल जिसे बैक वाटर्स कहते हैं देखने को मिलता है, उसे स्थानीय भाषा में कायल कहते हैं। कह रहे हैं कि पश्चिमी किनारे की नदियां अपने डेल्टा यानी धरती का वह भाग जो पानी से तीनों तरफ से घिरा हो तो क्षेत्र में खाड़ी का निर्माण करती हैं, उसकी रचना करती हैं ये नदियां। ऐसी अधिकांशतः ज़्यादातर खाड़ियां नदी के पानी के अंतर्गत डूबी हुई घाटियां हैं जो समुद्र तट यानी समुद्र के किनारे के उभरने से बनी हैं। यहाँ पे मछली के जैसे कार्यों के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करती हैं। पश्चिम तट पर अनेक उत्तम प्राकृतिक बंदरगाह हैं, जिनमें मुंबई तथा मार्म गोवा का समाविष्ट होता है। दक्षिण में केरल तट पर पश्चजल जिसे बैक वाटर्स कहते हैं वो देखने को मिलता है, उसे स्थानीय भाषा में वहाँ के भाषा में कायल कहते हैं। आगे पढ़ते हैं, पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा यानी तुलना में अनुपात में अधिक चौड़ा है।
यहाँ कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी जैसी नदियों के डेल्टा क्षेत्रों में काप का निक्षेपण अधिक हुआ है। उत्तर में उत्तर सरकार तट और दक्षिण में आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु का तटीय प्रदेश कोरोमंडल तट के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे कह रहे हैं कि पूर्व का जो तटीय मैदान है पश्चिम तटीय मैदान के अपेक्षा में अनुपात में अधिक चौड़ा है। यहाँ कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी जैसी नदियों के डेल्टा क्षेत्रों में काप का निक्षेपण अधिक हुआ है। उत्तर में उत्तर सरकार तट और दक्षिण में आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु का तटीय प्रदेश कोरोमंडल तट के नाम से प्रसिद्ध है, विख्यात है। बच्चों आज के लिए बस इतना ही, आगे का भाग मैं दूसरे वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी। जितना पढ़ाया गया है उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।